हेलो, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आपका वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में समझने वाले हैं कंज्यूमेबल गुड्स आइटम ट्रीटमेंट इन एनपीओ। ये एनपीओ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है और इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ईजी होता है, लेकिन तब भी काफ़ी लोग इसको कर नहीं पाते। तो मैं आपको इसको समझने का तरीका बताऊँगा, कैसे हम इसको, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, बिना फॉर्मूलेस के आप लर्न कर सकते हो, बिना कोई फॉर्मूलेस के। तो चलिए, किस तरीके से इसको समझना होता है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स मतलब जैसे कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जिस चीज़ का बिजनेस होता है ना, तो उस चीज़ में जो डेली के यूज़ करता है वो उस प्रोडक्ट्स को, वो उसके कंज्यूमेबल गुड्स बन जाते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिक का बिजनेस कर रहा है, तो जो भी उसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं वो उसके लिए गुड्स हैं। उसी तरीके से कोई जिस चीज़ की एनपीओ है, वो एनपीओ जिसके लिए काम कर रही है और उसमें कुछ जो गुड्स इस्तेमाल कर रही है वो मिलते हैं हमारे कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे हॉस्पिटल मेडिसिन यूज़ करता है, तो उसके लिए क्या बन गया, मेडिसिन कंज्यूमेबल गुड्स। एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करती है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल उसके लिए क्या बन गया, कंज्यूमेबल गुड्स। तो कंज्यूमेबल गुड्स वो गुड्स जो कि एक बिल्कुल डेली के लिए इस्तेमाल होते हैं एनपीओ में, एनपीओ इसके बिना नहीं चल सकती। तो कंज्यूमेबल गुड्स एक तरह का उसके क्या बन गए, एक्सपेंस हो गए। ये नॉर्मल एक्सपेंस की तरह हम ट्रीट करेंगे क्योंकि ये हमारा एसेट नहीं है। एसेट वो होगा जो हमारे लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा। ये तो हम मेडिसिन आज यूज़ करेंगे, कल यूज़ नहीं करेंगे। आज कोई मेडिसिन यूज़ करी, उसके बाद हो सकता है कि आप परचेज करोगे। तो एक तरह का जो डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं वो कभी भी एसेट नहीं होता। एसेट वो होता है जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, पर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता। तो कंज्यूमेबल गुड्स, मेडिसिन वगैरह हो गए, ये सब क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये एक्सपेंस की तरह यूज करेंगे। तो एक्सपेंस है तो कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। तो एक्सपेंस जो भी होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड पे आता है। तो कंज्यूमेबल गुड्स की हम निकाले कैसे जाए, सवाल ये उठता है कि इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स, ये कैसे निकाली जाती है। और हमें यही सीखना है कि हमें ये तो सीख है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एक खासियत होती है कि जो भी चीज़ करंट ईयर की होती है खाली वही आती है। आप सबको पता है कोई सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन, पुराना सब्सक्रिप्शन है वो नहीं लेते, जो आगे का सब्सक्रिप्शन है अगले साल का वो भी नहीं लेते, जो इस साल का है करंट ईयर का खाली वही लेते हैं। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स भी इसी तरीके से होता है, जो खाली करंट ईयर की जो कंज्यूम्ड गुड्स है खाली वही लेंगे हम, कोई भी पिछले साल का, कोई भी अगले साल का नहीं लेंगे, जो इस साल हमने इस्तेमाल किए गए वही लेंगे। तो जो पिछले साल का कोई स्टॉक बचा होगा और मैं इस साल इस्तेमाल करूँगा, क्या मैं वो लूँगा, बिल्कुल लूँगा। तो वो क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक। जो मैं पिछले साल का कोई स्टॉक बच गया है तो मैं उसको क्या करंट ईयर में इस्तेमाल करूँगा कि नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि स्टॉक है वो, स्टॉक का भी खराब थोड़ी होता है, स्टॉक कंज्यूमेबल गुड्स है। तो वो क्या होगा, पिछले साल का कोई बच गया है तो इस साल मैं इस्तेमाल करूँगा, बन गया हमारा वो ओपनिंग स्टॉक। अब इस साल मैं कुछ परचेज भी करूँगा, कोई स्टॉक इस साल मैं कुछ परचेज भी करूँगा, तो क्या मैं वो इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, तो उसको भाई मुझे ऐड करना होगा। अब उसके बाद जो बच गया, कोई स्टॉक बच गया, मैंने सब कुछ इस्तेमाल करा, मेरा ओपनिंग स्टॉक था मान लो कि 10, मैंने कोई 10 प्रोडक्ट थे वो मैंने इस्तेमाल करे, पिछले सालों बच गए थे, इस साल मैंने 5 और खरीद लिए, तो कुल मिला के मेरे 15 हो गए, 15 मैंने इस्तेमाल करे, लेकिन 15 इस्तेमाल करे लेकिन मैंने 2 बचा के रख दिया, 2 मैंने बचा के रख दिया, जो मेरा क्या बन गया, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा, मैंने 2 जो है प्रोडक्ट बचा के रख दिए ताकि मैं वो अगले साल इस्तेमाल करूँ। तो इस साल अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने कितने प्रोडक्ट यूज़ करे, तो आप कहोगे 13, आपने 13 प्रोडक्ट यूज़ करे, क्योंकि 10 तो पिछले साल के थे, इस साल आपने 5 खरीदे, तो टोटल मिला के 15 प्रोडक्ट आपके इस साल के हैं, लेकिन 2 तो आपने बचा के रख दिए उसमें से अगले साल के लिए। तो कुल मिला के खाली मुझे इस साल का बताना है, तो 13 आपने इस साल प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूम गुड्स। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, सिंपल सी चीज़ है भाई, आपने इस साल का देखना है, तो हमारे पे जो आएगा यहाँ पर आएगा कॉस्ट ऑफ कंज्यूम गुड्स, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि आपने इस साल का निकाला है ओपनिंग स्टॉक, परचेज आपने कितना करा है, और जो बच गया उसको माइनस कर दो, बस।
ये कोई याद करने वाली चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब लेकिन दिक्कत यह है कि इसका परचेज का पहले हम मतलब समझते हैं। ये जो परचेज लिखा हुआ है इसका बहुत बड़ा मतलब है। परचेज जो लिखा हुआ है ये परचेजेस का मतलब यहाँ पर ये है कैश प्लस क्रेडिट। क्या आपने कोई भी क्रेडिट में परचेज करी हो या फिर कैश में भी परचेज करी हो सकती है, या फिर इनमें से एक भी हो सकता है, या फिर इनमें से एक भी हो सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होगा, आपको ये परचेज गिवन नहीं होगा, क्रेडिट परचेज जब मिसिंग होगा तब क्या करें, या फिर परचेज ही गिवन नहीं है क्वेश्चन में। मान लो कि आपने सारा का सारा उधार में खरीदा था और ये उधार वाला गिवन नहीं है, तो आपको इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिससे लगे से आप उधार वाली परचेज निकाल सकते हो। तो ये उधार वाले परचेज कैसे निकालते हैं इसी चीज को समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही मजेदार चीज है। क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्रेडिट परचेज मतलब है कि आपने कुछ उधार में खरीदी है तो आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। मान लेते हैं कि आपने इस साल आपने 1 लाख का उधार खरीदा, इस साल का आपने 1 लाख का उधार खरीदा, इस साल की बात करो मैं, करंट ईयर में, करंट ईयर आपने 1 लाख का उधार खरीदा और 1 लाख के 1 लाख रुपए आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिए बैंक अकाउंट से, क्या ये बिल्कुल जायज है कि नहीं है? अगर आपने स्टार्टिंग में कोई उधार खरीदा होगा उसके बाद आपने पे कर दिया तो क्या दिक्कत है कोई इसमें? नहीं, क्यों नहीं है। तो आपको 1 लाख का जो उधार खरीदा है तो क्या 1 लाख का स्टॉक नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा सर। तो 1 लाख का आपने उधार खरीदा है तो 1 लाख का क्रेडिट आपका जो है वो स्टॉक भी हो गया होगा। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई आपके पिछले साल के क्रेडिटर भी बचे हुए थे, पिछले साल के क्रेडिटर भी बचे हुए थे कुछ, मान लो कि 20,000, 20,000 पिछले साल के बचे हुए थे, पिछले साल के एंड में पता चला कि 20,000 क्रेडिटर थे और इस साल के एंड में पता चला कि 50,000 क्रेडिटर बच गए। मैंने कहा ये क्या चक्कर है कि भाई 1 लाख का तो आपने उधार खरीदा था उसको आपने पे भी कर दिया, इसका मतलब 1 लाख का आपका स्टॉक है और पिछले साल के 20,000 पड़े हुए, इस साल की क्रेडिटर 50,000 पड़े हुए। तो आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल आपने उधार में कितना खरीदा होगा, काफी लोगों ने बता दिया है वो क्या है, 1,30,000 रुपये, क्योंकि आपने 20,000 का तो पिछले साल का उधार पड़ा हुआ है, इस साल का 50,000 पड़ा हुआ है, तो आपने इस साल कितना और उधार करा है, 30,000 का और पड़ा है, 30,000 का और करा है, तो 30,000 का स्टॉक इस साल का हमारे पे आ चुका है। तो कुल मिला के हम क्या समझा हमने कि हमारे हमने जो अमाउंट पे करी है, आपने जो भी अमाउंट पे करी है उसको पहले लो, क्योंकि वो हमारा स्टॉक है, जितने हमने अमाउंट पे करी है उतने ही आपने उधार में खरीदा होगा स्टॉक, और आपने जो पिछले साल के क्रेडिटर्स है उसको आप माइनस कर दो, क्योंकि या तो आपने पिछले साल के क्रेडिटर इसमें इंक्लूड है, हो सकता है कि आपने भाई 80,000 का हिसाब खरीदा हो, 20,000 का पिछले क्रेडिटर को पेमेंट कर दियो, हो सकता है ना, या फिर आपने 1 के 1 लाख रुपए इस साल ही खरीदे हो और इस साल आपने पेमेंट करी हो और 30,000 की उधारी और चढ़ गई हो और 20,000 की इसमें इंक्लूड है, तो कुल मिला के हमें भैया पिछले साल के क्रेडिटर तो भाई माइनस करने ही करने पड़ेंगे, हाँ या ना, करने ही करने पड़ेंगे। और आपने इस साल के क्रेडिटर प्लस कर दूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा कि मैंने और उधारी कितनी चढ़ी होगी, अगर मैं इस साल के क्रेडिटर प्लस कर दूं क्या आ जाएगा मेरे पे कि मैंने और कितनी उधारी करी होगी। तो इसलिए पिछले साल के क्रेडिटर को आप माइनस कर दो, इस साल क्रेडिट को प्लस कर दो, इसको आप एक अकाउंट के थ्रू बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, आप सीधा इसका आंसर बहुत ही डायरेक्टली निकाल सकते हो सीधा ही। अच्छा मुझे बताओ क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का क्या होता है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर मैं कहूँ कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का है वो कहाँ पर आएगा, यहीं पर आता ना क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा पिछले साल का बैलेंस 20,000 रुपये, और इस साल का बैलेंस कितना है, इस साल का बैलेंस है इतना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 50,000 रुपये, तो यहाँ पर 50,000 लिख देंगे। और आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है तो एंट्री क्या बनती है, जब क्रेडिटर को पेमेंट करिए तो क्रेडिटर के बैलेंस कम हो गया ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है डेबिट साइड पर, तो टू बैंक अकाउंट आ गया। कितने की पेमेंट करी है, 1 लाख की, यानी कि 1 लाख का हमने स्टॉक कहीं ना कहीं खरीदा होगा तभी तो पेमेंट करी है, तो 1 लाख की हमने पेमेंट करी है, 50,000 के इस साल बचे हुए हैं, पिछले साल के इसमें से 20,000 थे, और तो 20,000 या तो इसमें इंक्लूड है या तो इसमें इंक्लूड है, 20,000 रुपये या तो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि 20,000 के हो सकते हैं कि आपने 20,000 के तो पड़े के पड़े रह गए और 30,000 की और उधार चढ़ी हो, या फिर आपके
1 लाख की आपने पेमेंट कर दी हो, उसमें से 20,000 की भी पेमेंट कर दी है, तो उसमें से 20,000 के तो पिछले साल के थे, तो पिछले साल के मुझे माइनस करने होंगे, मुझे इस साल का देखना है, तो क्या होगा, मुझे परचेज निकाल दूंगा मैं, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मेरी क्रेडिट परचेज कितनी है, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी क्रेडिट परचेज कितनी है, 1,30,000, समझ में आ गया, 1,30,000 पे। और ये जैसे ही मेरे को मिल गया तो बात खत्म है, फिर मैं वही चीज करूंगा, 1,30,000 पे यहाँ लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन होगा, बात खत्म आ जाएगा उससे। हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि अगर परचेज गिवन नहीं होगी तो हमें इस तरीके से निकालनी है। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, अकाउंट के थ्रू करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये निकाल के ये आपका जो परचेज आएगा ये क्रेडिट परचेज आएगा। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कैश परचेज कोई गिवन है तो उसको प्लस कर देगी, टोटल परचेज आ जाएगा। और अगर कुछ लिखा हो कभी कभार एडवांस भी लिखा हो सकता है, भाई आप एडवांस हो या कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना कि भाई आपको इस साल का देखना है, पिछले साल का नहीं देखना, ना अगले साल का देखना है। तो अगर कोई एडवांस पिछले साल का मिला हुआ है, पिछले साल कोई एडवांस मिला था तो वो इस साल प्लस करेंगे ना, है ना। अगर कोई पिछले साल एडवांस आपको मिला था तो इस साल प्लस करेंगे, ऐसे ही कोई इस साल आपने एडवांस दे दिया है तो भाई अगर इसमें इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे ना। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ आपका वही चीज़ होने वाली है अगर कोई अगर सप्लायर को एडवांस दे दिया, तो कोई बिल्कुल भी ईजी कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से, आप कभी नहीं भूलोगे आज के बाद ये कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपने समझा ही इस तरीके से है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस तरीके से करना है, आपने कोई लर्न नहीं करा, आपने समझा एक एक चीज़ को कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें आपने प्लस करनी है, माइनस करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि क्यों का आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी नहीं भूलोगे। अगर इस तरह से आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कमेंट करके जो बताना कैसी लगी, और अगर आप अभी तक आपने शेयर नहीं करा तो शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जिन लोगों को इन टॉपिक में, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।